नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप में से कोई ऑस्ट्रेलिया आ रहा है या तो किसी को कनाडा जाना है तो आपको आईएलटीएस देना चाहिए कि पीटीई देना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले आईएलटीएस के क्लासेस करते हैं, उसके एग्जाम देते हैं, फिर अगर उसमें स्कोर नहीं आया तो फिर पीटीई की क्लासेस करते हैं और उसके एग्जाम देते हैं। तो ऐसे टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि आप पहले ही फिगर आउट कर लो कि आपको पीटीई देना चाहिए कि आईएलटीएस देना चाहिए। तो मैंने दोनों की प्रिपरेशन की हुई है, तो आज मैं आपके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको दोनों के पॉइंट्स बताऊंगी और लास्ट में फिर मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगी कि कौन सा इजी है, पीटीई इजी है कि आईएलटीएस इजी है। तो सबसे पहले अगर पीटीई की बात करें तो जब हम लोग यहाँ पे आए थे 4 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में, तब इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं था पीटीई, उसके इतने क्लासेस भी अवेलेबल नहीं थे। पर आजकल तो इतना पॉपुलर हो गया है पीटीई भी, तो उसके क्लासेस भी बहुत अवेलेबल है और बहुत सारे लोग ऑलरेडी पीटीई की एग्जाम देके यहाँ पे आ रहे हैं। और आईएलटीएस तो पहले से ही पॉपुलर है ही सभी जगह पे। तो पीटीई में एक ही एग्जाम होती है, एकेडमिक की एग्जाम, जो दोनों के लिए, पीआर के लिए और स्टूडेंट वीजा वालों के लिए, दोनों के लिए एक्सेप्टेड है। और आईएलटीएस में दो अलग अलग होती है। तो आईएलटीएस में एक होती है एकेडमिक जो स्टूडेंट वीजा वालों के लिए होती है और एक होती है जीटी जो पीआर वालों के लिए होती है। तो पीटी और आईएलटीएस में दोनों में ही 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। तो ये तो दोनों में ही सेम ही है। पर अगर स्कोर की बात करें तो पीटी में इंटरकनेक्टेड स्कोर होता है, जैसे कि अगर आप रीड अलाउड कर रहे हो तो उसका स्कोर आपको रीडिंग में भी आएगा और स्पीकिंग में भी काउंट होगा। पर अगर आईएलटीएस की बात करें तो उसमें इंडिविजुअली मॉड्यूल के इंडिविजुअली आपको स्कोर मिलेगा। तो पीटीई होती है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है और आईएलटीएस होती है वो दोनों में होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी होती है और पेपर बेस्ड एग्जाम भी होती है। पर जनरली जो लोग आईएलटीएस देते हैं वो जनरली कंप्यूटर बेस्ड नहीं देते, वो जनरली पेपर बेस्ड एग्जाम ही देते हैं। तो पीटीई में जैसे कि मैंने बताया कि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो उसका एग्जामिनर भी, एग्जामिन भी बाय कंप्यूटर होगा, पर आईएलटीएस में वो एग्जामिन बाय पीपल होगा। तो इसकी वजह से दोनों में मेन डिफरेंस ये आ जाता है, स्पीकिंग के मॉड्यूल में दोनों में मेन डिफरेंस है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के होने की वजह से पीटी में आपको इन पर्सन नहीं करना है, पीटी में आपको कंप्यूटर के सामने स्पीकिंग के एग्जाम देनी है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है और स्कोर के चांसेस भी सबको फेयर होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फर्स्ट इंप्रेशन अच्छी नहीं हुई तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिले, एग्जामर को आप पसंद नहीं आए तो मार्क्स अच्छे नहीं मिले, ये सब होने के चांसेस पीटी में बिल्कुल ही नहीं है। पीटी में कोई टेंशन नहीं, आपकी जैसी परफॉर्मेंस होगी वैसे ही आपको कंप्यूटर मार्क्स देगा। पर आईएलटीएस में ये होता है कि आपको इन पर्सन देना है, तो कई बार तो ये प्रॉब्लम आ जाता है कि कई लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है किसी के सामने जाके फिर बोलने में, तो ये भी प्रॉब्लम है। और उसके बाद ये भी होता है कि कई बार जैसे कि आपके इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने अच्छी नहीं पड़ी तो वो आपका स्पीकिंग की एग्जाम अच्छी गई फिर भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं देंगे। और ऑपोजिट भी हो सकता है कि जैसे आपकी एग्जाम अच्छी नहीं गई थी, आपने इतना अच्छा स्पीकिंग नहीं किया था, पर उनको आपकी फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छी लग गई तो आपको मार्क्स ज्यादा भी मिल सकते, तो वो ये टोटली एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसा सुना कि मेरा एग्जामिनर अच्छा नहीं था तो मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो इसके चांसेस आईएलटीएस में ज्यादा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से स्पीकिंग आईएलटीएस में हार्ड है। अगर लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग पीटीई में हार्ड है और आईएलटीएस में इजी है। फिर राइटिंग की बात करें तो राइटिंग पीटीई में इजी है आईएलटीएस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें तो टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, वैसे टेम्पलेट दोनों में भी यूज कर सकते हैं, पर फिर भी राइटिंग पीटीई में इजी है आईएलटीएस की कंपैरिजन में। और रीडिंग वैसे दोनों में ही भी हार्ड है, पर फिर भी पीटी में रीडिंग थोड़ा इजी है आईएलटीएस की कंपैरिजन में। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आपको कितनी बार एग्जाम देने जाना पड़ता है, तो पीटी में आपको एक ही बार एग्जाम देने जाना है और सेम ही डे में आपको सारे 4 मॉड्यूल के एग्जाम देने और वापस आ जाना है। पर आईएलटीएस में आपको 2 बार जाना है, तो एक दिन तो आपको स्पीकिंग के एग्जाम देने जाना पड़ता है और दूसरी बार जब आप जाओगे तब आपको राइटिंग का, लिसनिंग का और रीडिंग का एग्जाम देना है, तो आपको 2 बार जाना पड़ेगा आईएलटीएस के एग्जाम देने के लिए। और अगर रिजल्ट की भी बात करें तो आपको टेंशन होता है कि कब मेरा रिजल्ट आएगा एग्जाम देने के बाद, तो आईएलटीएस का रिजल्ट आने में आपको 2 वीक लग जाते हैं। पर अगर पीटी की बात करें तो पीटी में आपको विद इन 48 आवर्स रिजल्ट आ जाता है आपका, और कई बार आपका विद इन फाइव डेज तो आ ही जाता है, अगर लेट भी हुआ फिर भी विद इन 5 डेज आ जाता है, और पर जनरली 48 आवर्स में आ जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप एग्जाम देख के घर पे आए 2 घंटे में आपका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद फीस की बात करें तो फीस ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर ही है, वैसे दोनों में ही बहुत ही है, पर दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो दोनों में ही ऐसा है कि अगर पीटी वाले ने एग्जाम की फीस ज्यादा रख दी तो फिर सब
IELTS ही देगी, और अगर IELTS वाले ने कम रख दी तो फिर सब PTE ही देंगे, तो इसकी वजह से दोनों की फीस ऑलमोस्ट सिमिलर ही रखी हुई है, तो इसका तो इतना कोई डिफरेंस है नहीं। और फिर अगर आपके स्कोर नहीं आए, आपने PTE दी या तो फिर IELTS दी, और अगर आपके स्कोर नहीं आए, आपको रीबुकिंग करवाना है, रीटेस्ट देना है, तो फिर अगर आपको PTE में रीबुकिंग करवाना है तो आप विद इन 5 days कर सकते हो, पर IELTS में आपको 2 weeks तक वेट करना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ा है ड्रॉबैक है IELTS का कि आपको थोड़ा ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो PTE जनरली ऑस्ट्रेलिया में तो ऑल ओवर सारी जगह पे एक्सेप्टेड है ही, PR के लिए भी एक्सेप्टेड है ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई आ रहा है तो कोई इतना IELTS प्रीफर नहीं करता, क्योंकि PTE एग्जाम इजी भी है और उसमें स्कोर हाई लाना इजी है इजी होने की वजह से। तो ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए तो PTE बेस्ट ही है, और कनाडा जाने वालों के लिए भी, क्योंकि कनाडा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में PTE एक्सेप्टेड है, तो वो लोग भी PTE के एग्जाम दे सकते हैं। पर आप फिर भी एक बार चेक कर लेना, अगर आपको कोई पर्टिकुलरली कोई यूनिवर्सिटी में जाना है कनाडा में, तो फिर भी एक बार आप अपना रिसर्च कर लेना कि उस यूनिवर्सिटी में PTE एक्सेप्टेड है कि नहीं है। तो ये जनरली बातें थी PTE और IELTS के बारे में। तो अगर मैं पर्सनली मेरी बात करूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि PTE इजी है, फिर डिपेंड करता है सबके इंग्लिश लेवल पे, वो तो है ही। अगर किसी का इंग्लिश अच्छा है तो उनको तो मैटर नहीं करेगा कि वो PTE देंगे कि IELTS देंगे, उनको तो दोनों में ही वो स्कोर ला सकते हैं। पर फिर भी अगर किसी को हाई स्कोर लाना है 7 each या 8 each लाना है, तो वो PTE में इजी रहेगा आपको 7 each या 8 each स्कोर करना। IELTS में वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, 8 each लाना IELTS में थोड़ा हार्ड है। जिनको 6 each ही लाने हैं नॉर्मल बेसिक, वो तो इतना हार्ड नहीं, दोनों में भी आ सकते हैं 6 each तो। पर मेरे हिसाब से मैं तो यही प्रीफर करूँगी कि अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो वो PTE की एग्जाम ही दे। PTE बहुत ही ईजी है, और उसके लिए आपको क्लासेस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, उसमें आप प्रैक्टिस करके एग्जाम दे दो, इतना कुछ हार्ड है नहीं। प्रैक्टिस करोगे आप तो 6 each जिसको लाना है उसको तो क्लासेस करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको 6 each आ जाएंगे। तो ये जनरली बातें थी मेरे हिसाब से PTE और IELTS के बारे में। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।